हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे यहाँ पे एक फिल्टर बटन है। अगर मैं फिल्टर बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक फिल्टर पैनल ओपन हो रहा है, जहाँ पे मैंने कस्टम फिल्टर लगाया है। एग्जांपल के लिए इन सारे डैशबोर्ड में अगर हमें कुछ फिल्टर करना है और स्पेस कम है तो इस टाइप का स्लाइसर पैनल का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी क्लिक करूँ, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ईस्ट, फिर साउथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद नीचे में यहाँ पे है अप्लाई फिल्टर का बटन। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डेटा शो कर रहा है। अगर मुझे ये फिल्टर को क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर बटन है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो भी फिल्टर था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, जो भी फिल्टर था यहाँ से रिमूव हो चुका है। वैसे ही अगर मैं ये डेट फिल्टर को यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये डेट फिल्टर देखेंगे यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने क्लिक किया तो देखेंगे कि इस डेट रेंज में जो भी यहाँ पे डेटा है वो दिख रहा है। अगर हमें इसको फिर से अगर क्लीन करना है तो मैं यहाँ पे जाकर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ से सारे फिल्टर क्लियर हो चुके हैं। अगर हमें इस पैनल को अगर क्लोज करना है तो मैं इसे जाकर मैं इसे क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे सारा विजुअल दिख रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कस्टम हाइड एंड सो पैनल बना सकते हैं पावर बीआई में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं पावर बीआई में। तो आप देख सकते हैं पावर बीआई के विंडोज में आ चुके हैं, जहां पे मेरे पास कुछ विजुअल यहां पे दिख रहे हैं। अब हमें यहां पे एक पैनल बनाना है, जहां पे इस पोर्शन में यहां पे जब भी मैं क्लिक करूं तो नया पैनल ओपन हो जाए और ये वाला पोर्शन है वो हाइड हो जाए, और जैसे ही मैं अगर क्लोज बटन पे क्लिक करूं तो ये वाला जो पोर्शन है वो दिखने लगे और पैनल को हाइड हो जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये यहाँ पे जो भी विजुअल है इसको मैं एक ग्रुप बना लूंगा। ग्रुप कैसे बनाते हैं, इसके लिए सबसे पहले जाना होगा आपको सिलेक्शन, यहाँ पे जो पैनल दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको जाना होगा व्यू वाले ऑप्शन में। व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेक्शन पैनल, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ सिलेक्शन का ये चीज ऐड हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इन सारे शेप को, ये वाला शेप सिलेक्ट करने से यहाँ पे आ चुका है, तो कंट्रोल के साथ में मैं सारे शेप को एक बार सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो मैं ये तीनों शेप को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और इसे करेंगे ग्रुप। ग्रुप करने से ही इसका एक ग्रुप बन चुका है, आप देख सकते हैं। मैं इसका नाम कर दे रहा हूँ हाइड विजुअल, ये यहाँ पे आ चुका है हाइड विजुअल। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इसमें ये जो यहाँ पे आई का साइन है, अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे हाइड हो चुका है, और इसे मैं अगर ओपन कर दूँ तो ये दिख रहा है। तो मैंने पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब सेकेंड स्टेप में हमें वो पैनल बनाना है, तो उसके लिए हमें एक पहले ये रेक्टेंगल बॉक्स लेना होगा। तो मेरे पास जो पुराना रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है पीछे में, मैं इसी को ले रहा हूँ। इसको मैं सिलेक्ट किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। इसको मैंने सेम जगह पे ऐसे करके प्लेस कर दिया। अभी क्या हो रहा है, वो पीछे में चला जा रहा है क्योंकि मेरा ये जो नया शेप है वो नीचे आया है, तो मैं इसको ट्रैक करके मैं ऊपर में कर दे रहा हूँ। मैं इसका कलर थोड़ा मैं अभी चेंज कर दे रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ फॉर्मेट सेप जनरल इफेक्ट, और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से आप कलर को चूज कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला कलर ले लिया। अब हमें यहाँ पे कुछ विजुअल्स बनाने हैं, जैसे कि फिल्टर का। तो मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर विजुअल बना ले रहा हूँ। मैं सिलेक्शन को यहाँ से हाइड करके मैं विजुअल में जा रहा हूँ। मैं कुछ स्लाइसर ले लिया और स्लाइसर में इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर ले रहा हूँ। थोड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसको थोड़ा उस स्पेस ऊपर में स्पेस डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोज बटन देना होगा। और यहाँ पे मैं फिल्टर में डालना चाहता हूँ डेटा, एग्जांपल के लिए कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं दे दे रहा हूँ रीजियन, तो रीजियन का यहाँ पे ये चीज बन चुका है। इसको मैं थोड़ा बटन में दे दे रहा हूँ। तो स्लाइसर सेटिंग वर्टिकल लिस्ट से मैं इसको टाइल्स में दे दे रहा हूँ। तो ऐसे करके दे सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे इसका एक न्यू विजुअल है तो मैं स्लाइसर से न्यू ले ले रहा हूँ। तो और इसको जाके मैं फॉर्मेट कर दे रहा हूँ लेआउट, मैक्सिमम रो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 5 और कॉलम 1। तो ये ऐसे करके ये दिख रहा है। इसका थोड़ा इफेक्ट चेंज कर देते हैं इसके जैसा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, होम में गया, यहाँ से लिया फॉर्मेट प्रिंटर, और इसके ऊपर में मैंने अप्लाई, सॉरी गलत जगह पे अप्लाई हो चुका है। इसको यहाँ से गया ये लिया, उसके बाद इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इसका थोड़ा सा ये चेंज हो चुका है लुक एंड फील। सेम यहाँ पे एक डेट स्लाइसर लेते हैं, तो इसके लिए मैंने सेम को यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैं नीचे ड्रैग कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग ले ले लेंगे डेट। तो मेरे पास ये ऑर्डर डेट है, तो मैं इस फील्ड को यहाँ पे डाल दिया
और इसका हम लोग विजुअल चेंज कर देते हैं ये वाला, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दो चीज आ चुका है, परफेक्ट। अपने को यहाँ पे ऐड करना है तीन बटन। मैंने पहले से तीन आइकन डाउनलोड करके रखा है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एड इमेज इन योर रिपोर्ट। मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे फिल्टर करके रखा है। सबसे पहले है क्लोज का, तो मैं क्लोज को यहाँ पे लिया और मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ और इसे मैं यहाँ पे ऐसे करके फिट कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से मैं ऐसे करके दो और मैं बटन ले रहा हूँ। पहला बटन है अप्लाई फिल्टर का, ये मैंने एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया। फिर एक लास्ट का है क्लियर फिल्टर का। अभी अपने को क्या करना है, एक बार के लिए इसमें असाइन करना होगा कि इसका एक्शन क्या होता है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, एक्शन में ऑन किया एक्शन, और यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई ऑल स्लाइसर, इसे क्लिक कर दिए। सेम ऐसे ही इसके लिए करना होगा। इसके एक्शन में जाकर यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे क्लियर ऑल स्लाइसर, डन। अभी अपने को क्या करना है, इन पांचों विजुअल जो आया है 1 2 3 4 5 और नीचे में एक जो इसका दिख रहा है बैकग्राउंड 6, इन छह को मिलाकर इसका एक ग्रुप बनाना है। तो अगर मैं सिलेक्शन में जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल ये नया जो भी 6 यहाँ पे एलिमेंट आए हैं उन सारे को ग्रुप बनाना है। तो मैं इन सारे को एक एक करके मैं शिफ्ट के द्वारा सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक और ग्रुप ग्रुप, और इसको मैं दे दिया यहाँ पे नाम फिल्टर स्लाइसर। तो यहाँ पे ये चीज हो चुका है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं इसको अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखेंगे ये ऑफ हो जा रहा है, ऑन करूँ तो ये ऑन हो जा रहा है। चलिए इसके लिए पहले अपने को क्या करना होगा, मैं इसको एक बार के लिए ऑफ कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एक बटन और डाल रहे हैं शो फिल्टर का। अब ये जो काम होगा यहाँ पे, अच्छा अभी इसको क्या है, ये इसी के अंदर में इसी ग्रुप में आना चाहिए जो कि हमने हाइड विजुअल बनाया था, इसी में आना चाहिए। तो इसको क्या करना है, इसको पकड़ के हम नीचे में डाल दे सकते हैं। अगर आपको, अगर बेस्ट क्या होता है कि आप जो भी चीज बना रहे हैं उसको उसी हिसाब से आप उसको रीनेम कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए जो इमेज है तो इमेज ये होना चाहिए शो फिल्टर, शो फिल्टर। ऐसे करके आप बाकी का भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ ये हो जा रहा है, अगर मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ तो सारा विजुअल ऑफ और ये वाला ऐसे करके दिख रहा है। तो अपने को क्या करना है, पहले बार में जो भी है ये विजुअल ऑन होना चाहिए। अब ये काम को हम लोग करेंगे बुक मार्क के थ्रू। तो उसके लिए क्या करना है, अपने को दो बुक मार्क बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन दिखेगा। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे बुक मार्क दिखना चाहिए और विजुअल हाइड होना चाहिए। तो इस कंडीशन में रह के मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ ऐड, और इसको मैं कर दे रहा हूँ नाम शो फिल्टर पैनल, शो फिल्टर PANEL न्यू मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि नाम कन्फ्लिक्ट कर जाएगा दोनों में। तो अभी आप देखेंगे कि एक बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड के लिए मैं इसको शो करूंगा और इसको हाइड कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा और इसको करेंगे हाइड फिल्टर। अभी आप देखेंगे अगर हाइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाइड हो जा रहा है फिल्टर, सिलेक्शन को बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पे शो पे क्लिक कर रहा हूँ तो शो पे क्लिक हो रहा है, हाइड पे शो पे। लेकिन ये काम यहाँ से नहीं हम लोग करवाएंगे, ये काम ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये वाला फिल्टर दिखना चाहिए, इस पे बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो ये वाला क्लिक होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो बटन है दो दो बटन, ये वाला बटन ब्लू का जो फिल्टर बटन है उसमें, और ये जो रेड बटन है इसमें, इसमें हम लोग कुछ एक्शन को यहाँ पे टैग करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गया और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जाते हैं फॉर्मेट इमेज में, यहाँ पे एक्शन ऑप्शन दिख रहा है, एक्शन में जाकर यहाँ पे करेंगे बुकमार्क। ये बुकमार्क अगर क्लिक करें तो कौन सा होना चाहिए, क्लिक हाइड फिल्टर पैनल। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दिखेंगे हाइड फिल्टर पेन न्यू करके, मैं इसे डन कर दिया। अब इस बटन में शो करना है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो फिल्टर पेन दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आ गए एक्शन ऑन, इसको मैंने क्लिक किया बुकमार्क, यहाँ से बुकमार्क करना है शो फिल्टर पैनल न्यू, और ये हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं।
तो इसके लिए हम जाएंगे, देखिए अगर आप डेवलपमेंट मोड पे हैं तो आपको कंट्रोल के साथ में कुछ भी एक्शन को परफॉर्म करना होगा। तो अगर मैं सिंपल क्लिक करता हूं तो कुछ नहीं होगा, तो कंट्रोल के साथ में क्लिक करना होगा। लेकिन सर्विस में ये कंट्रोल प्रेस नहीं करना होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं देखिए, अगर मैं ईस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, साउथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आया है, देख सकते हैं। इसीलिए मैंने ये दो बटन यहाँ पे अप्लाई किया था और मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ अप्लाई फिल्टर। तो देखेंगे ये फिल्टर अप्लाई हो चुका है। मैं यहाँ से इसे क्लियर फिल्टर कर दे रहा हूँ सारे का। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे डेट के फिल्टर में जो अप्लाई है उसको मैं अप्लाई करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये डेट फिल्टर भी देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। एक बार के लिए मैं यहाँ पे जाकर मैं सारा क्लियर कर दे रहा हूँ। इसे मैं यहाँ पे जाके क्लोज बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं कितना बेहतर ढंग से ये चीज़ काम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।